न्यूज एक्सप्रेस का सफर जारी है। कश्मीर के गुलमर्ग में पहली बार 20,000 से ज्यादा सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। सैलानियों की भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को ठहरने के लिए होटलों में कमरे भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों ने अपनी गाड़ियों में ही बीते साल की आखिरी रात बिताई। गुलमर्ग की हसीन वादियों पर ये नजारा पहले कभी नहीं दिखा। नए साल का जश्न मनाने के लिए न सिर्फ सैलानियों की भारी भीड़ जमा थी, बल्कि गुलमर्ग के तमाम होटलों और हट में पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। आलम ये था कि सैलानियों ने 2009 का आखिरी लम्हा संगीत की धुन पर थिरकते हुए बिताया, तो नए साल का स्वागत बर्फ की सफेद चादर में मस्ती करते हुए। हालांकि होटलों में कमरा न मिलने से कई सैलानी अपनी कार में ही रात को सोने को मजबूर हुए। It's good to see the people that people have gathered. You can see a lot of people have gathered here to enjoy the last day of the year. This is a very good beginning. अच्छी beginning है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत people are enjoying here. A lot of people are here. बहुत जगह events हो रहे हैं। गुलमर्ग में इस तरह के नजारे को देखकर सूबे के मुखिया उमर अब्दुल्ला भी बेहद खुश थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात अब बेहतर हो चुके हैं और दुनिया भर के सैलानी अब कश्मीर आएंगे। 2010 की शुरुआत, जिस जगह को हम जमीन पे जन्नत कहते हैं, जमीन के जन्नत पे 2010 को शुरू किया जाए। गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाने के लिए जिस तरह से देश विदेश के सैलानी पहुंचे, उससे स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आने वाले स्कीइंग के मौसम में भी लोगों की भारी भीड़ जुटेगी। खालिद हुसैन, गुलमर्ग, IBN समय।